हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है रे गधे लोग? आवाज आ रही है? यस सर, जल्दी बोलो करो यार। यस सर, आ रही है। हाँ, गुड गुड। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। हाँ, लिखते रहिए। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस चैप्टर का नोट्स है सबके सामने में, कॉपी भी खोल ले सारे लोग प्लीज। अरे बोले ना हाँ या ना, नोट्स है ना सबके सामने। यस सर। हाँ, ये स्लाइड लिख लिया तो बताइए। यस सर। हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? जो लेट्स हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें।
लिख लिया सारे लोग? यस सर। ये दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बनाने में बहुत आसान है। ये स्टेटमेंट जानबूझ के लिखा है आपको बस समझाने के लिए, डराने के लिए। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए बताइए, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। देखिए मैंने कहा कैसे पहचानेंगे, कहा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH8 ऑरेंज रेड PPT। अच्छी बात है। इससे देखिए एनसीईआरटी की खास बात यही है, आपके पास नोट्स है? यस सर। यस सर। मैंने सब लोग, सारे लोग अमोनिया डेरिवेटिव्स पढ़ाया था, उसमें 2,4 DNP लिखवाया था, वो वाला पेज खोलें, अमोनिया डेरिवेटिव्स वाला टेबल खोलें सारे लोग। Has everyone खोल लिया? Yes sir. Yes sir. मैंने 2,4 DNP के नीचे लिखवाया था Bradley's reagent. Yes sir. Yes sir. सारे लोग बोले, सारे लोग बोले। अब सुनो, Bradley's reagent ये भी टेस्ट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। देखो उसका कलर याद रखो, अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, इसलिए कहते हैं ना एनसीईआरटी का इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके थ्योरी में नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। सी एड फॉर्म एन ऑरेंज रेड PPT। कोई भी पूछेगा Bradley's reagent के साथ एल्डिहाइड और कीटोन क्या देता है, रिएक्शन करता है और क्या देता है, कौन सा पीपीटी, जल्दी बताओ सारे लोग। ऑरेंज रेड PPT। तो जो प्रोडक्ट बना है उसमें Bradley's reagent का कलर ये नहीं होता, चूंकि लिखा गया है कि फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड पीपीटी विथ 2,4, तो उसमें मैंने ये टेबल बनाया था रिएक्शन प्रोडक्ट में, लिख लेना 2,4 DNP में कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, ये लिख लेना, ये ऑरेंज रेड पीपीटी है, ऑरेंज रेड पीपी। कोई भी पूछे एल्डिहाइड और कीटोन Bradley's reagent के साथ कौन सा पीपीटी बनाता है, तो क्या बोलोगे? ऑरेंज रेड पीपीटी। सुना? हाँ, तो एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका इस तरह भी है कि सिर्फ हम थ्योरी में तो ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, और यही सब क्वेश्चन पूछता है तो लोग कहते हैं कि टफ क्वेश्चन पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस। नो, ये है पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन को जरूर बनाया करें। तो ये बात सबको साबित हो गई? हाँ या ना, जल्दी बताओ Bradley's reagent का? यस सर। अब सुनो, तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 2,4 DNP है, तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ भी हो सकता है। मैं इस तरह इसलिए समझा रहा हूँ कि चूंकि ये चैप्टर आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं तो आपका माइंड सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन पर नहीं ना जाना चाहिए। एक ऑक्सीजन है, ये कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, फेनॉल हो सकता है, ईथर हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, याद रखें आप। हम कैसे पहचाना, ये नहीं कि एल्डिहाइड कीटोन है वाला चैप्टर है तो नहीं, वहां तो मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको ये सब पता चलेगा जब आप 10 दफा चैप्टर को पढ़े रहेंगे। 2,4 DNP दिया तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कुछ भी हो सकता है, ये क्लियर हुआ पहली बार। हम ये नहीं सोच के पढ़े कि ये क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन का, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन है, नो। हम इस तरह पढ़े कि ये कुछ भी हो सकता है, कैसे पहचाना ये एल्डिहाइड कीटोन है, ऑरेंज रेड पीपीटी विद 2,4 DNP डेरिवेटिव। आगे फिर दिया गिव्स येलो पीपीटी, दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट, ये एक ऐसा एल्डिहाइड कीटोन है जिसमें COCH3 होना चाहिए। अब आइए सर, इसको लिखा कैसे जाए, अब एल्डिहाइड कीटोन में क्या डिसाइड होगा? आगे लिखा इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलरेंस और फिर इसका मतलब ये कीटोन है, क्लियर हो रहा है कांसेप्ट, ये क्या है, कीटोन है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? Yes, sir. अब ये आगे का लाइन जो है वो वही समझ में आएगा जिसकी 11th की ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर मौजूद हो। आगे लिखा गया नॉर डस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर का कलर मैं आपको लिखा चुका हूं। अब बियर्स रिएजेंट भी जो मुझसे 11th में पढ़े हैं मैं लिखवा चुका हूं, कोल्ड डायलूट कैमेनोफोर हाइड्रोकार्बन चैप्टर अल्कीन में देखो लिखा है क्या, हर बैच में कोल्ड डायलूट कैमेनोफोर का कलर पिंक कलर होता है, कोल्ड डायलूट, उसी को बियर्स रिएजेंट कहते हैं, उसके साथ कौन रिएक्शन करता है, अल्कीन। इससे यह साबित हुआ कि इसमें कोई डबल बॉन्डेड
कार्बन अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, कीटोन तो है, लिखा कैसे जाए? तो वो बोला कि ऐसा यह कीटोन है कि जिसके में कोई सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड नहीं, अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कि हम इस तरह डबल बॉन्ड करके नहीं लिख सकते, इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी नहीं होना चाहिए, यानी कीटोन के अलावा इसके चेन में डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है ये। अरे यार बोलो ना, हाँ या ना? यस सर। तो फिर से पहली बात, बियर्स रिएजेंट क्या होता है, बियर्स रिएजेंट क्या होता है ये मैं लिख देता हूँ। बियर्स रिएजेंट कहते हैं कोल्ड डायलूट केमेनोफोर को, पहली बात। इसका कलर क्या होता है, पिंक। ये टेस्ट में इस्तेमाल होता है, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेटेड अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब होता है अल्केन ये रिएक्शन नहीं देता है, अल्कीन देता है, अल्कीन जब रिएक्शन करता है तो डीकलराइज हो जाता है। दिस टेस्ट फॉर, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। मैं दोबारा सम, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर मतलब इसके साथ कौन रिएक्ट करता है, केवल कौन केवल रिएक्ट करता है, अल्कीन। हाँ, अनसैचुरेशन टेस्ट, इट मींस अल्कीन रिएक्ट्स एंड डीकलराइज द सॉल्यूशन। अब सुनिए, तो सर आप लिखा कैसे, फिर बोला आगे कि ड्रास्टिक कंडीशन पर होने पर यह कार्बोक्सिलिक एसिड देता है C7H8O2, ऑब्वियसली कीटोन का ऑक्सीडेशन होने पर यह देता है। अब खुद सोचो, ध्यान दो, जब ये ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, क्लोज चेन भी नहीं हो सकता, क्लोज चेन होगा तो डबल बॉन्ड आएगा ही। अच्छा बताओ, बेंजीन को अनसैचुरेटेड टेस्ट कहेंगे, अनसैचुरेशन कंपाउंड कहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, जल्दी बताओ। अरे कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक है कि अनसैचुरेटेड है, जल्दी बताओ। एरोमेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भाई वो क्यों लिखा, चूंकि इसमें इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कल कहा था 99.9% में आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कैसे लिखना है। ये क्वेश्चन इस तरह इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टूडेंट सही से नहीं पढ़ेगा तो, चूंकि इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, क्योंकि क्लियर ही नहीं कि इसमें बेंजीन है कि नहीं, तो वो आगे क्लियर कर दिया ना कि डज नॉट डिक्लेयर एज द ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर के साथ भी अल्कीन रिएक्शन करता है, बियर्स रिएजेंट के साथ, मतलब ये ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, ना क्लोज चेन विथ डबल बॉन्ड है। क्लोज चेन अगर होगा भी इसमें कौन होगा, बेंजीन रिंग होगा, तो बेंजीन में 6 कार्बन, ये ना ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना कोल्ड बियर्स रिएजेंट के साथ, तो 6-8 है, तो इसका मतलब ये एसीटोफेनन होगा, क्योंकि बेंजीन पर COCH3 आइडोफॉर्म टेस्ट जगह, तो ये है ए कंपाउंड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। हाँ, अब इसका रिएक्शन है 2,4-DNP के साथ, तो 2,4-DNP के साथ हाइड्राजीन है, H को हटाकर फेनाइल लगा दो, 2,4-डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्राजीन है, तो क्या प्रोडक्ट देगा, तो आपको मैंने कहा था वाटर हटाओ प्रोडक्ट बनाओ, CCH3 है, डबल बॉन्ड N, NH है, और यहाँ NO2 है, यहाँ NO2 है। उसके बाद उसने कहा आइडोफॉर्म टेस्ट है, I2NaOH है, तो हमने कहा था जो CH3 है वो आइडोफॉर्म देगा, प्लस कूना लगेगा। फिर मैंने कहा कि ड्रास्टिक कंडीशन में एक्रोमिक एसिड के साथ होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट, तो मैं इसका प्रोडक्ट आपको बनवा चुका हूँ, बेंजोइक एसिड बनेगा, नोट्स में देख लेना एसिटोफेनन का क्या होता है, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, ये कंपाउंड बी है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया बोलिए हाँ, या ना समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताइए। अरे बोलो ना रे भाई, क्यों नहीं बोलते हो, नहीं सर आ गया।
लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर, डन डन। क्वेश्चन नंबर टू, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच हैज कैरेक्टरिस्टिक्स अदर ऑन ट्रीटमेंट विथ NaOH forms two compound B and C. Compound B has molecular formula C7H8O. Which on oxidation gives back compound A. Compound C is the sodium salt of an acid. C when लिख लिया यहां तक बताइए? Yes, yes sir. सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। देख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। यस सर। ये वाला स्लाइड लिख लिया था सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताएं। यस सर। चलिए अब सुनिए दोबारा, हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है अनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें तो पहला कहीं कंपाउंड नहीं दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स अदर ऑन ट्रीटमेंट विथ NOH टू फॉर्म टू कंपाउंड बी एंड सी। तो NOH के साथ टू कंपाउंड बी एंड सी बना। कंपाउंड बी हैज, अच्छा एक मिनट, मैं लिख लिख के समझाता हूँ। ए है, NOH के साथ रिएक्शन किया, बी एंड सी बना। बी कौन सा कंपाउंड है? तो देखिए कैसे है, बी कह रहा है कि C7H8 है, विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स बैक, अच्छा कि बी वो है, वो कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन होने पर, इसका ऑक्सीडेशन होने पर वो ए ही बनता है। उसके बाद कहा कंपाउंड सी इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड।
कंपाउंड सी जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड है, मतलब कूना होगा। ये जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड है। और से सुनिए, ऑफ एसिड है और सी जब हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो आपको मालूम है सोडा लाइम के साथ, और ये याद रखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड व्हेन हीटेड सोडा एरोमेटिक कंपाउंड, इसका मतलब ये हुआ ये कूना होगा और कूना को हीट करने पर सोडा लाइम के साथ अल्केन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन बनते हैं। याद आया कूना गायब, अरे बोलो ना सोडा लाइम कूना आर एच बनता था अल्केन, और यहाँ चूंकि इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बेंजीन रिंग है। देखो यहाँ से लास्ट टाइम में पता चला कि ये कंपाउंड सी वो कंपाउंड है जिसको सोडा लाइम के हीट करने पर एरोमेटिक कंपाउंड बना। और केमिस्ट्री में याद रखो, जहां पर भी ऑर्गेनिक में कहीं पर पेज के ऊपर लिख लेना करैक्टरिस्टिक्स अदर लिखा जाए तो समझ जाना वो एरोमेटिक कंपाउंड है। करैक्टरिस्टिक्स स्मेल एरोमा, एरोमा एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें एनसीईआरटी 11th में भी तुम पढ़े होगे करैक्टरिस्टिक्स स्मेल करैक्टरिस्टिक्स अदर एरोमा, ये करैक्टरिस्टिक्स जहां पर इस तरह का वर्ड हो समझ जाइए एरोमेटिक कंपाउंड है ये। ये बात सबको समझ में आया कि कंपाउंड सी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड होगा। अरे बोलिए ना, इसको सोडा लाइम के साथ हीट किया गया तो ये बेंजीन बना, इसका मतलब ये हुआ इसमें बेंजीन रहा होगा। और इसका जब कूना बना तो इस तरह का प्रोडक्ट क्या होता है, गौर से सुनिए, इसका मतलब बी अल्कोहल रहा होगा, अल्कोहल का ही ऑक्सीड, इसका मतलब ये कनिजारो रिएक्शन है और बेंजल डिहाइड है। समझा, कनिजारो है NH के साथ हीट किया, कहा ना कि बी बना BCS2OH, और ये जो B बना इसलिए तो कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन होने पर वीकर ऑक्सीडाइजिंग में करते हैं तो CH2OH CHO में होता है, लिखा हुआ ना गिव्स बैक कंपाउंड A, और दूसरा कंपाउंड बना सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कैसे समझा कि इसमें बेंजीन है, तो कहा सोडा लाइम के साथ हीट किया तो बेंजीन बना। डिड यू अंडरस्टैंड ABCD? अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। यस सर, ये आया सबको समझ में, जल्दी बताएं। यस सर, वेरी गुड। किसी को डाउट है यार, बोलो ना, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप। चलिए आगे बढ़ें। अरे बोलो। यस सर। हाँ, क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि आपका डाउट क्लियर हो। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके लिए जरूरी है कि आपको एक एक चीज पहले से आती हो। यही ऑर्गेनिक का है, घर पर खूब एनसीईआरटी का कन्वर्जन वगैरह बनाइए। समझा, कन्वर्जन नहीं बनाइएगा आपको रिएक्शन याद होने वाला नहीं है, ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ। इसलिए घर पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एक घंटा वक्त रखिए, आधा घंटा ऑर्गेनिक आधा घंटा इनऑर्गेनिक, बाकी अपना जो चैप्टर कमजोर है उसको पढ़िए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को खूब पढ़िए। और फिजिकल का सुबह में क्लास होता है 10 बजे, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ना अपना पढ़ना। कल DF ब्लॉक शुरू हो रहा है 7:30, सब कुछ एक साथ चल रहा है। उसके बाद फिर लास्ट टाइम में अप्रैल में एक शॉर्ट बहुत तेजी वाला मैं रिविजन करवाऊंगा।
मेरा काम है मेहनत करना, जो नंबर लाए ना लाए उससे हमें मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। बाद में कोई अगर आया ना मेरे पास, सर ये हो गया, इसलिए वो बुक खरीद लें, उससे पता चलेगा कि इस साल किस तरह के पेपर आएंगे। सुनने सारे लोग प्लीज, सुना एवरीवन? जी सर। हाँ, पहले नोट्स को पढ़ें, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन कर डालें, सॉल्व अनसॉल्व सुन लीजिए सारे लोग, उसके बाद इस बुक को बनाएं तो समझ में आएगा। जिसमें डाउट रहे पिक्चर भेज दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा। चलिए, हाउ आर, कुछ क्वेश्चन कन्वर्जन का फिर ऑब्जेक्टिव, हाउ आर फॉलोइंग इंटर कन्वर्जन कैरीड आउट, कन्वर्जन से इंटर कन्वर्जन करीब, मैं पूरा आपका चैप्टर रिवाइज होगा। पहला प्रोपेनॉन से को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन सब आएगा ही, सोच लीजिए तरीका यही है, प्रैक्टिस, अभी भी बहुत टाइम है मैंने कहा। अब देखिए सारे लोग ध्यान है मेरे लेक्चर पर, सब लोग समझ रहे हैं मेरी बातें? यस सर। अब देखिए मैंने पहले भी कहा था कन्वर्जन के लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, प्रोपेनॉन का मतलब ये है, प्रोपीन है तो CH3 डबल बॉन्ड है, अब कीटोन को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, आप इतनी दफा पढ़ चुके होंगे कि आपको दिमाग में आ जाना, लिखते ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करो और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा दो, ये है तरीका स्टूडेंट के पढ़ने का। ये नहीं कि मैं टीचर के नाते बता रहा हूँ आपको, आप रिएक्शन पर इतना कमांड कर लें, इतना पढ़ लें कि देखते ही आपको दिमाग में आ जाए कि भाई अल्कोहल है, अल्कोहल का डिहाइड्रेट, और अल्कोहल कैसे बनेगा तो इसका रिडक्शन करवा दो, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड किसी के भी, तो CO किसमें चेंज होता है, सेकेंडरी अल्कोहल CHOH, याद आया? और फिर इसका कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पर जरूर 170 लिखिएगा, तभी हीट लिख दीजिएगा तो वो भी चलेगा चूंकि कन्वर्जन है, लेकिन 170 लिखिएगा तो और अच्छी बात है। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, देखिए ये हुआ कन्वर्जन, इसमें दो, अब मैंने क्या कहा, पहला दूसरा मजबूत होना चाहिए, पहला दूसरा चैप्टर आपको आना ही चाहिए, पहला दूसरा चैप्टर का ही है, रिडक्शन किसमें पढ़ा आपने, मैं पढ़ा ये सेकंड चैप्टर का है, लेकिन आपको एनसीईआरटी उठाएंगे तो राइट, तो इसने एनसीईआरटी इसलिए दिया कि अल्कीन कीटोन को कैसे अल्केन में कन्वर्ट करें, अल्कोहल बनाइए डिहाइड्रेशन करवाइए, और ये तभी आपको आएगा जब आप पूरी तरह पढ़े हुए रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, भले ना आता हो जो लिखा टीचर पढ़ा रहा उसी को समझ समझ के रफ पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आएगा। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। नेक्स्ट, अब इसी को ABCD के फॉर्म में भी दे सकता है, प्रोपेनॉन टू ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन कह रहा है, अब ब्यूटेनॉन पर 2 on है कि 1 on है, तो ये हमेशा 2 on ही रहेगा, सिंपल, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग में नाम नहीं दिया, सिंपल, समझ रहे ना मेरी बातें, अरे कुछ तो बोलिए यार। यस सर। हाँ, इसका मतलब ये, इसमें नंबरिंग ना देने का मतलब है कि हाँ पेंटेन होता तो फिर वहां नंबरिंग देता, पेंटेन 2 on है क्योंकि वहां यहाँ पर किसी में भी रहो सेकंड ही पोजीशन पर आएगा। तो यहाँ देखें आपके पास प्रोपेनल है, एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना है, देखिए तो लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक ये लगेगा कि एल्डिहाइड को करना है तो सेकेंडरी अल्कोहल, एल्डिहाइड को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करो और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो, और एल्डिहाइड को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने का तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या ट्रिक्स दिया था कि अल्काइल ग्रुप एक CHOH लिख दो, एक अल्काइल रहेगा मिथाइल का, ग्रिग्नार्ड का, एक अल्काइल रहेगा, याद आया ट्रिक सेकंड चैप्टर, अरे बोलो, इसका PCC के साथ ऑक्सीडेशन कराओ, CHOH का ऑक्सीडेशन कीटोन देता है, अरे कुछ तो बोलिए मेरे भाई लोग, कुछ तो बोलिए, हेलो, अरे बोलो ना भाई, समझ में आ रहा है, ये है तरीका। यस सर। अंदर आप लोगों को आ रहा है कि नहीं, कोई एक ही बच्चा यस सर बोल रहा है,
ये उस्मान नाम का लड़का तो कुछ बोलता ही नहीं, बिहारी कैसा लड़का है यार ये, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है भाई, क्या समझाना है? तो परसों के मैं क्या समझाऊं भाई, ये तो रिवीजन हो रहा है, क्या समझना है इसमें? सबको आ रहा है भाई? हेलो सर। अब है तीसरा, एथेनॉल को 3-hydroxybutanol। अच्छा सुनो अच्छे से, तो पहला काम है, सुन लो अच्छे से कैसे, पहला काम स्ट्रक्चर लिख लो तभी पता चलेगा। ब्यूटेनल है तो मतलब चार कार्बन है, COH है, 1, 2, 3 OH है, 3-hydro, इसका मतलब ये अल्डोल रिएक्शन है। देखो कैसे पहचाने, अल्डोल, अल्डिहाइड और ये अल्डोल, अल्फा बीटा, अरे बोलो ना, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसका मतलब अल्डोल है, तो बस इसका पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन करा दो, अल्डिहाइड बनेगा डाइल्यूट एनएच के साथ, समझा? बस हीट मत लिख देना, हीट बनेगा तो अल्किन बन जाएगा, दो कर दो, ट्रिक्स है। हेलो आया समझ में? ये सिंपल अल्डोल है, अरे यार अल्डोल रिएक्शन है, बोलो ना यार, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, अल्डोल रिएक्शन। हेलो कोई नहीं बोल रहा, अरे हाँ मैं तो हाँ। यस सर, स्ट्रक्चर से ही तुम्हारा आइडिया लगेगा कन्वर्जन में, याद रखिएगा। जामिया में प्री बोर्ड खत्म हुआ? यस सर। पेपर सॉल्व हुआ केमिस्ट्री का? यस सर। ऑफलाइन हुआ था? नो सर, ऑनलाइन हुआ था। हाँ दो सौ में क्या तोड़े करके लिखना है। हाँ तो क्वेश्चन हो रहे थे जामिया वालों से? यस सर, बहुत इजी पेपर था। हाँ हाँ इजी तो था, पढ़ा ही दिया इतना कि इजी लगेगा ही। सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया ही। हाँ तो और क्या, सिंपल है भाई, तो टफ क्वेश्चन भी आसान लगेगा, इतना प्रैक्टिस करा दिया है। जी सर। अभी भी घमंड में नहीं रहना है, एकदम लगे रहना है जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए, कोई उधर उधर नहीं, वरना फिर भूल भुलैया हो जाएगा। अभी भी सबको, अब है देखो नेक्स्ट, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफेनल। एक क्वेश्चन को करो, एक एक क्वेश्चन को, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफेनल। बेंजोफेनल लिखना सिखा दिया था, बेंजल्डिहाइड ये है, और बेंजोफेनल का मतलब है कि दो बेंजीन के बीच में कीटोन, याद आया? बीच में कहीं कहीं पर तो आया होगा ये, आया कहीं पर बेंजोफेनल? यस सर। हाँ बेंजोफेनल मैं दो जगह पर आया, एक जगह तो मैं हाइड्रोफॉर्म टेस्ट में ही करवाया लिखवाया होगा स्ट्रक्चर, ये बेंजोफेनल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। अब देखो ये बहुत ही टिपिकल है कि बेंजल्डिहाइड को बेंजो, तो बहुत आसान है, ये बहुत ही आसान है कि आप क्या करो, ध्यान दो अच्छे से, ध्यान दो कि तुम क्या करो, इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजल्डिहाइड का नहीं होता, मेटा डायरेक्टिंग नहीं देता, इसको बेंजीन में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, अरे बोलो ना, बेंजीन में कन्वर्ट करो। अब बेंजीन खुद सोचो, मैं बता रहा हूं, बेंजीन का लिखना मत, CH3COCl के साथ कराते हो अनहाइड्रस HCl3, तो एसिटोफेनन बनता है कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना? ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अगर तुम यही तुम बेंजीन का एसिटाइल क्लोराइड की जगह ये कर दो COCl, आए हल्ला, ओ माय गॉड, तो CO बेंजीन आएगा, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अब CH3COCl ना डाल के बेंजीन डाल दो। अब आया कि अल्डिहाइड को बेंजीन में कैसे, बहुत आसान है, अरे यार KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराओ, NOH के साथ रिएक्शंस कराओ, कूना, कूना का सोडियम लाइम के साथ करा दो, ओ माय गॉड, तो बेंजीन बनेगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन,
यस सर। और मैं तो स्टेप बढ़ा दिया, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक स्टेप छोटा कर दो इसको। ये मैंने कहा था ना कि तुम सोडा लाइम जब रखोगे ना, NOH का मतलब ही हुआ सोडा लाइम में, वो खुद कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक स्टेप घटा दो, सोडा लाइम लिख दोगे ना डायरेक्टली। मैं लिखवाया था आपको, बेंजीन बना और बेंजीन का रिएक्शन बेंजोइल, इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड में एक जगह और लिखवाया, मेरी याददाश्त अच्छी है, अमीन वाले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अमीन विथ एसिटाइल क्लोराइड में देखो, होगा नोट्स में, अमीन वाले चैप्टर में भी, रिएक्शन ऑफ अमीन विथ एसिटाइल क्लोराइड, प्राइमरी अमाइड बनता है, सेकेंडरी अमीन प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमाइड देता है, सेकेंडरी अमीन एसिटाइल क्लोराइड करके टर्शियरी अमीन रिएक्शन नहीं करता, एनिलीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करता है तो बेंजोफेनाइड बनता है, और एसिटाइल क्लोराइड के साथ करता है तो एसिटिनिलाइड बनता है। देख याद आया, अच्छा ना याद आया कोई बात नहीं है, AlCl3 तो तुम पढ़ोगे तुम भी इसी तरह नाच नाच के हो जाएगा तुम्हें। तो देखो यहाँ पे बेंजो, एग्जामिनर आपको रिएजेंट देखेगा, और देखो ये है फ्रीडल करा, ये अनहाइड्रस AlCl3 लिखना है तो कैसे समझा, तो ये दिमाग में आएगा फ्रीडल करा टेसाइलेशन। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए कुछ तो बोलिए। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, यस आगे बढ़ें, जल्दी बोलिए। यस सर, अच्छा अब बताइए, देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, अब आपके पास कहेगा फोर्थ है कि फिफ्थ है, बेंजल डिहाइड को कहेगा, देखिए बेंजल डिहाइड को कहेगा, आप देखो ये थोड़ा सा लिखने आना चाहिए, बेंजल डिहाइड टू वन फिनाइल प्रोपेनॉल, वन फिनाइल प्रोपेन वन ऑल। अब तो पहली बात है कि कुछ स्टूडेंट को लिखने ही नहीं आया स्ट्रक्चर, बेंजल्डिहाइड है, CHO है, कोई बात नहीं, वन फेनाइल जब भी कहे बेंजीन लगा दो, CHOH, CH2, CH3, वन पे फेनाइल, वन प्रोपेन वन ऑल। अब देखो अल्डिहाइड को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, बेंजीन कुछ नहीं करना है, ग्रिगनार रिएक्शन, डायरेक्ट ग्रिगनार एजेंट, एक ही लाइन का स्ट्रक्चर है। तुमको मैंने बताया था ना मेथेनल का ग्रिगनार एजेंट के साथ होता है तो प्राइमरी अल्कोहल होता है, सिंपल। अब बताओ यहाँ पर CHO है, तुम किस ग्रिगनार एजेंट, इसमें तीन कार्बन है तो एक कार्बन तो यहाँ से आएगा तो दो कार्बन वाला ले लो, ये बताया था ना। हेलो एवरीवन, अच्छा सॉरी अलग से कराता हूँ, तो ये सब आपको आना चाहिए, ग्रिगनार एजेंट कौन वाला लें, ये सब क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में कराया जा चुका है। तो CHO है, इसमें एक कार्बन है तो तुम CH3 CH2 MgBr कर दो और हाइड्रोलिसिस लिख दो। तो मैंने क्या ट्रिक्स दिया था, CHOH लिख दो, एक एक अल्कान ग्रुप फिनाइल आ जाएगा CCH5, बाकी ये आ जाएगा। बताओ बताओ ट्रिक समझ में आया है कि नहीं समझ में। हेलो एवरीवन, आया डायरेक्ट है ये कन्वर्जन, देखने में टफ लग रहा बट इट इज इजी, टू इजी। अरे बोलो ना, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा यार, कुछ तो बोलो। यस सर। क्यों नहीं होगा भाई, आगे बढ़ें। चलो एक लास्ट कन्वर्जन है, फिर उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्टिव टाइप कराएंगे, एक लास्ट कन्वर्जन। अच्छा तुम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब कर रहे हो कि नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एकदम कर लिए हो? यस सर। नोट्स का एक पॉइंट, रिमार्क्स, नोट्स सब याद है ना सबको? अरे नोट्स पर लोगे एनसीईआरटी का खुद क्वेश्चन हो जाएगा ज्यादातर, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नो सर। नोट्स पर लो तो फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन, टफ टफ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, मुझे मालूम है जहां जहां डाउट रहा है। हाँ आसान क्वेश्चन में नहीं कराया होगा कि आपको आता ही होगा, फिर भी डाउट है तो एकदम एग्जाम से पहले क्लियर कर लीजिए। 18 मई को है ना केमिस्ट्री का, कि 8 मई को है? इसको मालूम है नहीं, 18 मई को। अरे अरे जामिया का बोर्ड का आया शेड्यूल? नो सर, डेट शीट नहीं आई अभी तक। सुना अप्रैल में है क्या? हाँ सर, 14 अप्रैल से कह रहे हैं टीचर्स। हाँ, चूंकि जामिया के एक बच्चे और एडमिशन लिए हैं 12th में,
हम उसको बोला था कि भाई कैसे होगा, पहले पैसा ले लिया तब एडमिशन दिया है मैंने, पैसा ले लिया, वीडियो लेक्चर भेज दिया, बहुत कमाई हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, 10-15 बच्चा भी आज आ जाएगा ना, बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, एकदम एक मिनट में कमाई हो रही है, वीडियो लो पैसा ट्रांसफर करो, पहले पैसा। जामिया की पुरानी स्टूडेंट ही आई है, क्या नाम है उसका ना मालूम, जामिया की कौन है, सायका हसन कोई है, सायका हसन, अपने दोस्तों को कहते रहो, कहते हो कि नहीं यार मेरा नाम, कहते हो कि नहीं तुम लोग यार कि बुराई करते हो, सब जानते हैं आपको, ऐसा कोई जानता होगा नहीं, आप लोग बताती होंगी तब जानते होंगे, नहीं सर सही में सब जानते हैं आपको, ये राशिद, राशिद तुम नहीं, तुम रहे, तुम बुराई करते हो क्या, हेलो, तौबा तौबा सर कभी नहीं करी, ये दानिश करता होगा, ये दूसरी कोचिंग से आया ना, ये बुराई करता होगा मेरे दानिश, नहीं सर मैं क्यों करूंगा, ये तो पूरा पैसा सधा रहा है यार, एकदम ड्रॉपर और रॉपर सब पड़ रहा है, पूरा पैसा सध गया होगा, लेकिन तुम्हें तशफी हो गई। अरे यार उसमें ऑर्गेनिक भी अप्रैल में शुरू होने वाला है, उसको भी कर लोगे देख, नहीं नहीं ना अप्रैल में तुम अपना बोर्ड लेवल देखो यार, तुम मार्च के अंत तक करो, फिर लग जाओ अपने तैयारी में, समझ रहे हो, ऐसे तो पूरा याद हो ही गया होगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अरे बोलो सबको याद हो गया, अच्छा हाँ ये मैं अल्फा हाइड्रोक्सी फेनाल, ये इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे ये बहुत टफ स्ट्रक्चर है, अब मैं एक दो क्लास लूंगा, मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में थोड़ा लगाऊंगा आप लोगों की ऑफलाइन क्लास, यही सब थोड़ा सा मैं समझा दूंगा, समझ रहे हैं ना, जिसको आना होगा आएंगे, ऑफलाइन में भी डाउट दे दूंगा फेस टू फेस, सब लोग दिल्ली में है कि सब बिहार में भी अभी हैं कोई, अरे दिल्ली में सारे स्टूडेंट रह रहे हैं कि अब कोई बाहर के भी है अभी भी, ये जोया परवीन सब कहाँ है भाई, तो देखो कैसे लिखा, अल्फा हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटिक एसिड, अब देखो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, अब खुद सोचो कैसे, बहुत आसान है, तुम देखो के सोचोगे कि एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम, देखो कितना आसान मैं बता रहा हूं आपको, साइनोहाइड्रिन बना था NaCN जो बना था, बोलो हाँ या ना, तो एक ही कार्बन पर, हाँ एक ही कार्बन पर OH, उसी कार्बन पर साइनाइड, याद आया, बोलो हाँ या ना, yes. अब देखो कितना आसान है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है, तो जब तुम पढ़े हुए रहोगे ना ये सब आसान, जबकि दिखने में टफ लग रहा है, ये बेंजन डिहाइड्रो कैसे कर दिया, इसलिए मैं बारह कह रहा हूँ, ये रिएक्शन कैसे याद रहेंगे, नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर पढ़ाए उसी को घर पर समझो कि बेंजन डिहाइड्रो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कैसे लाना है, तो सोडियम साइनाइड साइनोहाइड एक ही कार्बन पर OH उसी पर साइनाइड, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक देता है, और साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस अमाइड देता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो यहां पर हाइड्रोलिसिस लिख देंगे, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, डू यू अंडरस्टैंड, बोलो आया सबको, हाँ एनसीईआरटी का एक एक कन्वर्जन आप कर लो, और समझ समझ के स्ट्रक्चर लिखो, एक एक कन्वर्जन, कोई एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आता कन्वर्जन, सुन लो मेरे, इसको ना भी लिखना 10 दफा प्रैक्टिस करो, सोचो कैसे लिखा गया अल्फा हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटिक एसिड, और इसको समझ समझ के प्रैक्टिस करो, अब आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, चलिए अब हम ये कन्वर्जन करा दिया, अब आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप में कराता हूँ, चलिए अब थोड़ा सा आसान आसान क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा बूस्टअप करें, इसका एसिडिक करैक्टर आप लोग आंसर सही से देंगे, एसिडिक करैक्टर,
इसका ऑर्डर लिख के देखें। आराम से देखें। उस्मान तो जरूर शिकायत करता होगा, ये 11th में मेरी शिकायत लगाया था, वो मेरे दिल में अभी भी काला बैठा हुआ है। उस्मान जो है ये जरूर शिकायत किया होगा मेरी, ये इस पर यकीन है मुझे। नाला कमर भी है, ये बहुत ही शरीफ है, लेकिन है कोई आंसर नहीं दे रहे हो, बोलो ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है इसमें। या अल्लाह कितना कमजोर है भाई, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है। कैन यू, आवाज नहीं आ रही, कैन यू हियर मी। हेलो कैन यू हियर मी। चलिए सबसे ज्यादा इसमें तीन तीन है माइनस आए, तो सबसे स्ट्रॉन्गर ए, ए के बाद डी, समझा। अब डी के बाद आपके पास होगा बी, बी के बाद ई, ई के बाद सी। ये ए डी बी सी ई नहीं। अब मैं तुम्हारा अच्छे से समझा दूं, देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको समझ में आ गया, आ जाना जल्दी बताएं। यस सर। देखो सबसे पहली बात एसिटिक एसिड अलग अलग करके भी समझा देता हूं, और ये था बेंजीन पर CH2COOH, ठीक है। ये तो कह सकते हो ना, ये जो कार्बन है sp2 है, माइनस आई है, खींचेगा तो इसकी एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हां या ना जल्दी बोलो। यस सर। मिथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इससे, उसका रीजन यह है कि कार्बन ज्यादा है, समझा कि नहीं। इसका प्लस आई भी लगेगा, लेकिन इसमें कोई प्लस आई माइनस आई नहीं है, और ये दूर है, क्योंकि इसमें भी दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है, इसलिए इसका माइनस आई, तो ये इससे ज्यादा एसिडिक, लेकिन यहाँ पर कोई माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस आई दूर है, दैट द रीजन मिथेनोइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, ओवरऑल ऑर्डर सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। हाँ देख लो ऑर्डर लिख लिए थे सारे लोग। यस सर। अभी एसिडिक करेक्टर का ही क्वेश्चन रहेगा। मैं वो क्वेश्चन दूंगा जो प्रैक्टिस में नहीं करा है, कि आपको मैं देखना चाहता हूँ कितना, कि अगर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन
सीबीए नो सीबीए नो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो अच्छे से। पहली बात, इसमें प्लस आई है, किसी को एतराज है? जल्दी बताओ हाँ या ना। इसमें एसपी टू माइनस माइनस आई है, यहाँ पर भी माइनस आई है, ठीक है, माइनस आई मान। अब देखो इसका ये प्लस आई है लेकिन इसका प्लस एम है, प्लस एम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एसिडिक करेक्टर कम होगा, इसलिए बी फिर सी, क्योंकि प्लस आई कमजोर है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा रहा, माइनस आई तो दोनों में है। अब हम इसके प्लस आई या प्लस एम को देखेंगे, ए डबल बॉन्ड बी डोन पेयर दे रहा है, देखो दे रहा है, प्लस एम प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये क्वेश्चन सब देगा तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर है, बी सी ए सुना, हेलो एवरीवन। अरे यार बोलो ना, जब दोनों में माइनस आई एक ही पोजीशन पर है, एक ही पोजीशन पर है तो प्लस आई प्लस एम को देखेंगे, प्लस आई ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है कि प्लस एम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, जल्दी बताओ सारे लोग। प्लस एम, वेरी गुड, रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। केमिस्ट्री कहता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े वो एसिडिक करेक्टर को कम करता है, यहाँ तो माइनस आई है ही नहीं है, माइनस आई यहाँ इसी वजह से, तो बी और सी तो ए से ज्यादा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो, यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, कहेगा ये क्वेश्चन अमीन चैप्टर में मैंने तुम्हें कराया था, बेसिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, उसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में ये भी दे सकता है, एसिडिक करेक्टर directly proportional to dissociation constant, और dissociation constant को क्या कहते हैं, Ka, Ka, inversely proportional to pKa, आपको question दे रहा है के which, लिखो question, which of the following एसिड हैज स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। जब इस तरह का वर्ड रहे तो स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट किसका होगा, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कि वीकर होगा, पहले बताओ स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होगा? वीकर एसिड, वेरी गुड, तो वीकर मतलब क्वेश्चन में आपको यही चेक कर लेना है कौन वीकर है कौन है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें सबसे वीकेस्ट एसिड कौन है? सी। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड बोले तो ए, ए के बाद बताओ तो कोई बता सकता है, ए के बाद डी, डी, वेरी गुड, वेरी गुड, जो स्मॉल भाई है, डिस्टेंस विंस ओवर द पावर, जबकि फ्लोरीन का पावर बीआर से ज्यादा है लेकिन बीआर नजदीक है, ए के बाद बी, बी के बाद फिर सी, सी नहीं सॉरी, ए के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद सी, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो सारे लोग, यस सर। इस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हुआ सी, तो इस तरह भी डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से भी तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के नाम से, चूंकि ये एनसीईआरटी में अमीन्स में पीके भी कब है, थर्ड चैप्टर में भी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वर्ड है, लेकिन हमारा ये है कि आपको जब भी डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह का क्वेश्चन आए तो आपको चेक कर लेना है कि भाई कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, उस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस। अब आइए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर इसका बता दीजिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सैटरडे संडे भी क्लास होगी, एक क्लास और लगेगी इसकी।
इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था फिनॉल चैप्टर में, क्या याद है आप लोगों को? यस सर। बस आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। हाँ बताओ, इसमें माइनस आई प्लस एम है, इसमें केवल माइनस आई है, इसमें माइनस आई प्लस एम है, ये इस तरह किसी ने लिखा माइनस आई प्लस एम ओएच में? यस सर। यस सर। अब ये नहीं आएगा तो ये मेरी गलती नहीं है, सुन लो। माइनस आई इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। अब सुनो मोरे से, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, यहाँ नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब देखो स्ट्रॉन्गर एसिड दिखने में लग रहा है कि सी होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें गौर से सुनो, मैंने आपको कहा था इंट्रामोलिकुलर, इसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है, याद रखो। गौर से सुनो, जैसे ही ये COO- दे देगा तो इसका OH जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। याद है ओ नाइट्रोफेनॉल और पी नाइट्रोफेनॉल का किस्सा, किसी को याद है शायद? यस सर। यस सर। तो गौर से सुनो लाइन को, मैंने आपको बताया था ओ नाइट्रोफेनॉल लेस एसिडिक है, क्यों? ओ नाइट्रोफेनॉल के कंजुगेट बेस में इंट्रामोलिकुलर नहीं है, तो वहां इंट्रामोलिकुलर की वजह से एसिडिक करेक्टर घटी थी, यहां इंट्रा की वजह से बढ़ी, यहां कंजुगेट बेस में है। इस फिनोमेना को कहते हैं ऑर्थो अफेक्ट। बाकी किसी के आपको मैं नहीं बताया था कि एसिडिक करैक्टर का मेन कंसेप्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ये प्लस आई माइनस आई तो बात की बातें हैं, समझा? जैसे मैं दोबारा समझाता हूं, ओ नाइट्रोफेनॉल में क्या था कि ओ नाइट्रोफेनॉल में इसके अंदर खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये H की वजह H प्लस आसानी से नहीं निकल गया, या आप इसका कंजुगेट बेस बना लीजिए, कंजुगेट बेस में नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसकी एसिडिक करैक्टर घट गई। और यहाँ एसिडिक करैक्टर क्यों बढ़ी? कंजुगेट बेस में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ए के बाद डी, चूंकि डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा। इसलिए मैं नेक्स्ट सैटरडे को एक स्पेशल टॉपिक पढ़ाऊंगा ऑर्थो अफेक्ट। पहले वाले बैच में मैं ऑर्थो अफेक्ट एनिलीन में पढ़ा चुका हूं शायद। यस सर। एक ऑर्थो अफेक्ट बेंजोइक एसिड का भी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर लग रहा है कि बेसिक एसिडिक करैक्टर कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कंजुगेट बेस में आ जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए बी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद माइनस आई है, उसके बाद ए है, उसके बाद डी, चूंकि यहाँ माइनस आई प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। चलो ये लिख लो, पहले ये ऑर्डर लिख लो सारे लोग, ऑर्डर लिख लिए सारे लोग, जल्दी बताओ। सर। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन लिख लो, कंजुगेट बेस में इंट्रा है, तो यहाँ इंट्रा की वजह से बढ़ रही है ओ नाइट्रोफेनॉल, पी नाइट्रोफेनॉल में, वहां इंट्रा मॉलिक्यूलर ओ नाइट्रोफेनॉल में आने की वजह से घट गई थी, क्योंकि कंजुगेट बेस में नहीं था। हेलो, समझ में आ रहा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? हेलो। नो सर।
हम्म,